भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। अनशन को बीते 32 दिन, नहीं हुई सुनवाई। अरे साहब, हमने दिवाली भी नहीं मनाई, फिर भी आपको शर्म नहीं आई। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां सफाई कर्मी अभ्यर्थियों की ओर से 32 दिनों से नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार अनशन जारी है। एक माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। सफाई कर्मी संघर्ष समिति की अध्यक्ष दिव्या पाठक ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि आंदोलनरत आवेदकों की हालत भी बिगड़ रही है, फिर भी समाधान को अधिकारियों की ओर से जरूरत नहीं समझी जा रही है। चिताया कि अनशनकारियों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर प्रदर्शन में शामिल अन्य अभ्यर्थी भी प्रशासन के सामने जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। कहा कि हमारी मांग सिर्फ लंबित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए है। साथ ही यह भी कहा कि प्रशासन हमें कमजोर समझने की भूल ना करें। दिव्या पाठक ने बताया कि बीमार पड़ रहे अभ्यर्थियों को मेरे द्वारा खुद ही एम्बुलेंस बुलवाकर अस्पताल भेजा गया। जिला प्रशासन तो आंखें बंद किए बैठा है, ऐसा लग रहा है मानो जनपद के आलाधिकारी चाहते हों कि हम रास्ते से हट जाए। लेकिन साहब, कमजोर समझने की भूल मत करिएगा, हम प्राण त्याग देंगे लेकिन किसी भी कीमत पर धरने से नहीं उठेंगे। शुक्रवार को 5 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजना पड़ा। हाँ मैडम, बताइए आपका क्या नाम है और यहाँ क्या मामला है? मेरा नाम दिव्या पाठक है, सफाई कर्मी संघर्ष समिति की अध्यक्ष। हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, 32 दिन हो गया है। आज 32 दिन में जिला प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। हम आम जनता के साथ सौतेला व्यवहार हो गया, जिसमें 5 भाई हमारे बहुत सीरियस हो गए हैं। उनको स्वयं हम गाड़ी बुलाकर 108 बुलाकर भर्ती कराए, प्रशासन द्वारा कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई गई। हम स्वयं एम्बुलेंस बुला करके भर्ती कराए हैं। अगर उन्हें कुछ भी होती है तो इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन और शासन होगी। हमारी मांगे ये पूरी करें, नहीं तो एक एक का मौत हो जाएगा, यहाँ पे लाशें बिछ जाएगी और मर जाएंगे। हम लोग जान दे देंगे, हमारी नियुक्ति करें, हमको कमजोर ना जाने। जब तक चुप है तब तक चुप है, हमारी आवाज दबा नहीं सकते हैं। 12 साल से हमको दबाए हुए हैं, अब हमारी आवाज दबा नहीं सकते हैं। अशोक कुमार जायसवाल, समाज सेवक हूँ, और जो यहाँ पे 32 दिन से सफाई कर्मी द्वारा जो है कि अनशन में बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में आज हम भी आए हैं। और आज हमने ये भी देखा कि शासन प्रशासन ने इनके बारे में कुछ न सोचा है, न कुछ इनके बारे में कह रहे हैं। और आज इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर हुई, जो कि संघ के जो अध्यक्ष हैं स्वयं 108 नंबर एम्बुलेंस बुलाकर के उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।